दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिकॉज मैं आपको दिखाऊंगा इस मैच का पूरा हाईलाइट। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीजन के 20वें मैच में बैंगलोर को दिल्ली ने 4 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीत लिया था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बैंगलोर ने 8 विकेट पर 149 रन की शानदार स्कोर जो है वो बनाई थी। दिल्ली को जीत के लिए 150 रन बनाने थे। बैंगलोर की ओर से सबसे ज़्यादा कप्तान कोहली ने 41 रन बनाए। इसके अलावा मोइन अली ने 31 रन की पारी खेली। दिल्ली की ओर से रबाडा ने 4 विकेट लिए। इसके जवाब में दिल्ली का ये मैच 18.5 ओवर में ही जीत लिया। दिल्ली ने 18.5 ओवर में ही 6 विकेट पर 152 रन बना लिए। दिल्ली की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 67 रनों की नाबाद पारी खेली और बेंगलुरु की ओर से सबसे ज़्यादा नवदीप सैनी ने 2 विकेट लिए। ये बेंगलुरु की दोस्तों 6ठी हार है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बेंगलोर प्लेऑफ में पहुँच पाएगा? बिकॉज आपको सबको पता होगा कि ये जो 6ठी हार है, इसके बाद प्लेऑफ का रास्ता जो है वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि प्लेऑफ का रास्ता जो है वो बेंगलोर के लिए बंद हो चुका है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन लोगों तो वो लोग अपने अच्छा फॉर्म जो है वो दिखा रहे हैं। एक मैच हार रहे हैं लेकिन दूसरा जो मैच है वो जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, या अब तक जो आईपीएल नहीं जीत पाई है क्या वो आईपीएल जीत पाएगी? आप अपना जो ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एपीएम पिक्सल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर आपको क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ हरदम मिलते ही रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।